Hello students, I am teacher. I am Krushi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you in looking around subject, chapter number 1. What WHAT, what did Poonam see? Poonam एक लड़की है, उसने क्या देखा, उसके अबाउट अपने को बुक में पढ़ना है. पूनम वॉज एट होम, पूनम घर पर थी. शी वॉज सी, वो बीमार थी. माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टूडे, वो अपनी मम्मी से बोलती है कि अब मुझे स्कूल जाने दो. वो स्कूल 2-3 दिन से नहीं गई थी, मम्मी को बोलती मुझे स्कूल जाने दो आज. आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 डेज, मैं घर पर 2 दिन से हूँ. आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो गई हूँ. सेड पूनम, पूनम ने क्या कहा, मुझे मम्मी 2 दिन हो गए स्कूल नहीं गई, मैं बोर हो गई हूँ, मुझे स्कूल जाने दो. यू स्टिल हैव फीवर, मम्मी ने बोला नहीं बेटा तुम्हें अभी भी फीवर है. गो आउटसाइड, बाहर जाओ. एंड लाई डाउन ऑन द कोट, कोट बाहर जाओ और पलंग पर जाकर सो जाओ, बेड पर जाकर सो जाओ. रिप्लाई माँ, मम्मी ने जवाब दिया. पूनम वेंट आउट, पूनम बाहर गई. शी फेल असलीप ऑन द कोट, और वहाँ पर जाकर सो गई. सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस, अचानक ही एक चीज़ उसके मुँह पर गिरी, उसके फेस पे गिरी. पूनम वॉक अप, पूनम जाग गई. एट वंस, तुरंत वो जाग गई. एंड टच्ड हर चीक, और अपने गाल को टच करने लगी, छूने लगी कि मुझे क्या हुआ गाल पर. ओह नो, हुज मिशीफ इज दिस, किसने मेरे साथ ये मजाक किया. इज इट ऑफ क्रोज और ऑफ पिजियंस, ये क्रो होगा या पिजियन होगा जिसने मेरे साथ ऐसा मजाक किया. इट सीम्स इट्स ऑफ क्रोज, ये मुझे लगता है क्रो का ही काम है. पूनम लुकड अप, पूनम देखने लग गई, ऊपर देखने लगी. शी सो मैनी एनिमल्स, उसने बहुत सारे जानवर देखे. ऑन द ट्री, झाड़ पर उसने बहुत से एनिमल देखे. अब अपने को उनके नाम लिखने के हैं, जो जो एनिमल देखे उसने यहाँ पर बताया गया है. एक तो पैरट है, स्पैरो है, पिजियन है, पीकॉक है, क्रो है, कक्कू है, क्रेन है, ये सब वो देखती है एनिमल. मैना, अब विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, ये पॉन्ड बताया हुआ है, इस पर उसने क्या देखा, इसमें क्या देखा उसने, उसने देखा कि यहाँ पर गोट है. देखो गोट बताई है, फिर बताया है टॉर्टोइज है, फिर क्रैन है, क्रैन बताया हुआ है, बफेलोज हैं, फ्रॉग्स हैं और लेफविंग है. कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सीन एट द पॉन्ड, तुम्हें वो सब एनिमल अच्छे लगे जो पूनम ने देखे थे. वॉट काइंड ऑफ साउंड्स, वो कैसे आवाज़ निकालते हैं एंड मोमेंट्स करते हैं, वो अपने को बताने का है. अपने ट्राई करेंगे, ट्राई टू मेक सिमिलियर साउंड एंड मोमेंट्स, कौन से एनिमल्स हैं जो सिमिलियर साउंड करते हैं और मोमेंट्स करते हैं. बर्ड्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स और बर्ड्स के सिमिलियर साउंड और मोमेंट्स अपने को बताने हैं. डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज, अलग अलग एनिमल जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से चलते हैं. टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं. सम एनिमल्स वॉक, सम क्रॉल, कुछ एनिमल चलते हैं, कुछ ज़मीन से रगड़ के चलते हैं.
कुछ सम फ्लाई एंड सम एनिमल स्विम, कुछ एनिमल तैरते भी हैं, एंड सम एनिमल्स हॉप, कुछ एनिमल्स फुदकते हैं। अब यहाँ पर बताया है कि थिंक एंड राइट हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स लिव्स इन बरो, बरो में कौन कौन रहता है, तो रैट है, स्नैक है, एंट है और लार्ज ब्लैक एंट्स। इस रैट रहते हैं, चूहे हैं, सांप हैं, कीड़ियाँ होती हैं और मकोड़े बड़े बड़े होते हैं, उनको बोलते हैं लार्ज ब्लैक एंट्स। अब लिव्स इन नेस्ट, जो घोंसले में कौन कौन रहते हैं, तो पिजियन है, स्पैरो है, क्रो है, क्रेन है। अब लिव्स इन हाउस, घर में कौन कौन रहते हैं एनिमल, स्पाइडर रहता है, कैट है, लिजार्ड है, कॉकरोच है। इसी तरह लिव्स इन वाटर, वाटर में कौन कौन से एनिमल रहते हैं, फिश रहती है, फ्रॉग है, टर्टल है एंड क्रोकोडाइल। अंडरस्टूड? नाउ रिकलेक्ट एंड राइट, ये बोलता है कलेक्ट करो फिर से और लिखो। जो एनिमल उड़ते हैं, जो उड़ते हैं वो स्पैरो है, क्रो है, पिजियन है। कैन वॉक, जो चल सकते हैं वो है हॉर्स, काउ, गोट। जो कैन क्रॉल, जो जमीन से घिसड़ कर चलते हैं, पेट के सहारे चलते हैं, वो है स्नेक, लिजर्ड, अर्थवॉर्म। कैन हॉप, हॉप जो फुदकते हैं, फुदकते हैं वो हैं फ्रॉग है, रैबिट है, कंगारू। अच्छा, इसी तरह जिसकी हैव अ टेल, जिसकी पूछ होती है, वो है डॉग है, कैट है, मंकी है। इसी तरह जिसके हॉर्न्स होते हैं, सींग होती है, सिर पे जो सींग होते हैं, ऐसे एनिमल्स कौन कौन से हैं, काउ, बफेलो, ऑक्स। इसी तरह जो दीवार, ऑक ऑन अ वॉल, जो दीवार पर चलते हैं, वो है लिजर्ड एंड लार्ज ब्लैक एंट। ये सभी क्या है, दीवार पर चलते हैं। तो एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, सम एनिमल्स लिव ऑन द ट्रीज, सम इन वाटर, सम लिव ऑन लैंड। जैसे अलग अलग किस्म के एनिमल्स अलग अलग जगह रहते हैं, कोई रहता है ट्रीज पे रहता है, कोई वाटर में रहता है और कोई ज़मीन पर, एंड सम लिव अंडर द ग्राउंड, कुछ ज़मीन के अंदर रहते हैं, एंड सम फ्लाई, और कुछ उड़ते हैं इन द स्काई, आसमान पर जो उड़ते हैं। और सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेस, कितने एनिमल्स जो हैं वो अपने घरों में भी रहते हैं। अंडरस्टूड?